फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम बात करेंगे वॉल पेनलिंग। वॉल पेनलिंग के ऊपर आपको कुछ डिज़ाइन दिख रहा है जो मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, राइट। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। और बेसिकली मैं बहुत दिन के बाद ये वीडियो अपलोड किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को पूरा वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उससे पर्सनली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली का डेली वीडियो इस तरह का मिलता रहे, राइट। तो कुछ इस प्रकार से यहां पे हर एक आइटम को हम क्लियरिफाई करेंगे आप सभी के साथ, राइट। तो कुछ यहाँ पे जो आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पे कॉलम था। तो कॉलम में इसने क्या किया, HDMR लगा के पैक कर दिया। अगर क्यों HDMR लगाया, क्योंकि यहाँ पे PU है, ये जो हमारा फिनिश होने वाला है ये PU में होने वाला है। अगर PU हम नहीं लेते, कोई वॉलपेपर लेते वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे सिर्फ हम जैसे ये प्लाई लगाए उसी प्रकार से प्लाई में भी पैक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे PU है उसकी वजह से मैंने क्या किया, HDMR को प्लेस किया। अगर ये गलती से आप अगर प्लाई लगा दे, तो सपोज करो यहाँ पे प्लाई है, बाद में आपने वॉलपेपर चेंज करके आपको लगे कि नहीं हम PU कराने जा रहे, तो इसके ऊपर MDF आपको प्लेस करना पड़ेगा, फिर आप PU करा सकते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे HDMR बोर्ड में पहले कॉलम को क्या किया, पैक किया। पैक करने के बाद इसमें जो आपको ये जो मोल्डिंग दिख रहा है, ये मोल्डिंग ये तैयार होके आया है CNC में, ठीक है। या तो ये रेडी मोल्डिंग भी मिलता है आपको, PVC मोल्डिंग में रेडी मोल्डिंग मिल जाता है, मतलब बना बनाया मोल्डिंग आपको PVC में मिल जाएगा। इसके ऊपर सिर्फ क्या करना होता है, पेस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक लाइट की जो है आपके सामने, एक लाइट की पॉइंट है ये, इसको फैंसी लाइट हम लगाएंगे जब ये फिनिश हो जाएगा हर चीज़ से। अब ये साइड वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पर सिर्फ आपको प्लाई दिख रहा होगा, 12mm की प्लाई इसमें प्लेस किया गया जो आपको सामने से दिख रहा है, और नीचे एस्कॉर्टिंग के फेस से लगाया गया। इसमें क्या हमारा बीच में क्या है, ये पूरा क्या है मेरा बिनियर में फिनिश है, समझ लेना बिनियर में फिनिश है। ये बिनियर का उसी हिसाब से बिनियर आएगा, उसको कट करके लगाया जाएगा। बिनियर के बीच में जो ग्रूव की डिज़ाइन होगी, जब भी ये वर्क कंप्लीट होगा तो मैं वीडियो इस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, राइट। तो उसी प्रकार से आप देख रहे हो ये वाला कॉलम सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी PU ले रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, पेनलिंग किया है HDMR के ऊपर, राइट। HDMR से पेनलिंग करके रेडी लोअर को प्लेस कर दिया गया, राइट। यहाँ पे क्या हमारा फैंसी लाइट, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कॉलम है। देखो बीम की भी प्लेसिंग आपको सामने से दिख रहा होगा, जो कि अभी POP पेनलिंग में 0 लेवल पे आई, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ इस प्रकार से, देखो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे भी HDMR का यूज किया गया है, राइट। क्या चीज़ का, HDMR का यूज किया गया है HDMR के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे PU है, राइट। क्या है, यहाँ पे PU है, राइट। अब यहाँ पे आ गया CNC लोअर, जिसको CNC लोअर, राइट, ये HDMR में है बिल्कुल। आपको मैं टक्कर भी दिखा सकता हूँ, ये देख रहे, ये HDMR से नहीं, इसमें भी रेडी लोअर लगाया गया है, बना बनाया जो फिनिशिंग है इसमें रेडी लोअर को प्लेस किया गया, काफ़ी सुंदर दिख रहा है, राइट। ये इसमें रेडी लोअर है, क्या है हमारा, रेडी लोअर है। कुछ इस प्रकार से आपको डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, राइट। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे कुछ और है, इस पर भी रेडी लोअर को प्लेस किया गया। ये सारे रेडी लोअर है, हम दिखा भी सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ये सारे रेडी लोअर लगाया गया, क्या है, रेडी लोअर है। ये बना बनाया लोअर्स को क्या किया इसने, पेश कर दिया। इसमें PU लेंगे तो HDMR या प्लाई प्लस MDF आप यूज कर सकते हो, या आप HDMR में बना के PU कर सकते हो, या प्लाई आप लगा लिए तो उसके ऊपर वॉलपेपर का प्लेसिंग कर सकते हो, मतलब ये सारा चीज़ इस प्रकार से इस साइड पे काम किया गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।